राखी थाना क्षेत्र के उमगांव बेनीपट्टी मुख्य सड़क पर कोआहा चौक व धपहर टोल के बीच बुधवार की देर शाम सड़क दुर्घटना में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। जख्मियों की पहचान स्थानीय कोआहा गांव निवासी 65 वर्षीय धनेश्वर राउत व दुर्गापट्टी गांव निवासी प्रमोद महतो के 25 वर्षीय पुत्र विवेक महतो के रूप में बताई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुधवार की देर शाम युवक हरसुआर गांव में अपनी बहन को छोड़कर वापस लौट रहा था। धपहर टोल से आगे बढ़ते ही उमगांव की ओर से एक पिकअप वाहन धपहर टोल की ओर आ रहा था। पिकअप की लाइट से युवक का आंख चुंधिया गया और सामने जा रहे वृद्ध को ठोकर मार दिया, जिसमें वृद्ध का पैर टूट गया और वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं बाइक सवार युवक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घटना के बाद वहां कोआहा व धपहर टोल के लोग की भीड़ लग गई। स्थानीय वृद्ध के सौजनों ने दोनों को इलाज के लिए मधुबनी ले गए। दोनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही हरलाखी पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन तब तक जख्मियों को इलाज के लिए ले जाया गया था। थाना अध्यक्ष अनुज कुमार ने कहा कि घटना की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बताइए कैसे तो हुआ ये घटना? नहीं तो घटना हम देखे नहीं है। ठीक है, हम जा रहे थे इधर से हिसार, इधर से हिसार जा रहे थे तो साइड में देखा दोनों आदमी घूमराया हुआ था, तो उसको हम देखे उठा के धनेश्वर है। आप मतलब देखे नहीं है? हम देखे।